मतलब चीज़ों को लेकर, लेकिन बच्चों का जब आ जाता है ना कि सर एग्ज़ाम की तैयारी करवा दो, तो अपनी चीज़ें साइड हो जाती हैं। तो सबसे पहले उनका ड्रीम अपने सपने को अपना मान के लिए चलते हैं, और इसलिए मेहनत आप लोग करते हैं, तो सबसे पहला अधिकार आप लोगों को बनता है कि अपने जन्म उनके लिए इससे बड़ी गुदगुदा और कुछ हो ही नहीं सकता। लोग पढ़ाते हैं किसी सब बात की बाहर है, सबसे बड़ी गुदगुदा वो सिलेक्शन की होता है, और इसका जो स्वाद होता है ना वो अलग। अरे सर रहने दो, अरे मुझे आप मेरे भी गुरु, नहीं नहीं आप मेरे भी गुरु, स्वागत। अरे 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 नहीं नहीं स्वागत। मुकेश सर बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करवाते हैं, मेरे से बेहतर करवाते हैं। बड़ा अच्छा लगा आज आए आप लोग के बीच में। हाँ, काफी दिनों से इच्छा थी मन से कि एक बार ग्राउंड पे आके बच्चों को संबोधित करें, मोटिवेट करें, और आज बहुत ही दिल से खुशी हो रही है। पता है क्या, देखो होता क्या ना, हम लोग ट्रेनिंग तो सबको करवाते हैं ठीक है, लेकिन इस बार ऊपर पहुंच जाता है ना तो फिजिकल ट्रेनिंग को याद नहीं रखता। और जिनसे सबसे खास बात यह है, ये मैं नहीं कहता, ये बात बच्चा मुझे बताया कि सर बता रहे थे कि अब सर मेरे भी गुरु हैं, इस बात ने ना लिटरली दिल जीत लिया। तब से मैंने मैंने कहते ना, एक बच्चा तो बच्चा होता है, एक बच्चा सबसे खास हो जाता है ना, वो वाली बात फीलिंग आती है। लास्ट टाइम जब आप मेहनत करते हो उसका रिजल्ट मिलता है तो अच्छा लगता है। हर कोई जो आपके साथ एसोसिएटेड है उसे बहुत अच्छा लगता है ठीक है। तो मैंने बेसर की मेहनत काफी शुरू से देखी है, गुरुकुल में जब मैं था तब से मैं देखी हूँ। अब जो आप सर करते हो तो सर भी हैं और वह सर भी हैं, दोनों एफर्ट आप लोगों के लिए लगा ही रहे। और दूसरी बात जान लो यार, आप लोगों के पास है क्या भी ऑप्शन, मतलब ये भी नहीं है कि हाँ अगर जॉब नहीं लगी तो जाके कोई बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, ये भी नहीं है कि जाके